गुड मॉर्निंग बच्चों, श्री कृष्ण इंटरमीडिएट कॉलेज पूरा भरिया गंतपुर जौनपुर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपको जो है भूगोल में पाठ दो के विषय में बताया गया था, तो उसमें आपको जो है जनसंख्या की वृद्धि के विषय में बताया गया था। आज आपको बताया जाएगा कि जनसंख्या जो बढ़ रही है उस पर नियंत्रण कैसे लगाया जा सकता है, क्योंकि हम आप लोग जान रहे हैं आज जनसंख्या जो है इतनी तेजी से बढ़ रही है कि एक समय ऐसा आएगा कि चीन से भी ज्यादा भारत की जनसंख्या हो जाएगी। इसीलिए जनसंख्या पर जो है नियंत्रण लगाना अति आवश्यक है। आगे देखो इसमें जनसंख्या पर जो नियंत्रण लगाया जा सकता है उसको कौन कौन से टॉपिक, जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय। जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। जनसंख्या वृद्धि जो रोकी जा सकती है उसके उपाय जो है कई हैं। उपाय तो कई हैं पर उसका अमल कोई नहीं करता, बहुत कम ही करते हैं, लेकिन उस पर अमल करना जो बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि जनसंख्या पर नियंत्रण न लगाया जाए तो वह एकाएक बढ़ेगा और एक दिन बहुत बड़ा विस्फोट होगा, और ऐसा विस्फोट होगा कि धरातल पर रहने के लिए जो है जगह नहीं मिलेगी, तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, अनेक प्रकार की बीमारियां फैल जाएंगी। इसीलिए जो है जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना अति आवश्यक है। अब आगे देखिए जनसंख्या पर नियंत्रण किसके माध्यम से लगाया जा सकता है। पहला है शिक्षा का प्रसार। जैसे जिस देश के लोग, जिस राज्य के लोग, जिस नगरों के लोग जो है जागरूक हैं, वहां की जनसंख्या जो है बहुत कम है, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं, कुछ ऐसे भी नगर हैं, कुछ ऐसे भी देश हैं जहां के लोग जागरूक नहीं हैं, वहां की जनसंख्या बहुत अधिक है। उन्हें यह भी नहीं पता है जनसंख्या अगर इसी तरह बढ़ती रही तो आवास की समस्या, भोजन की समस्या, कपड़े की समस्या, तमाम प्रकार की समस्याएं जो है उत्पन्न हो जाएंगी। इसीलिए जो है शिक्षा का प्रचार करना चाहिए, शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहिए, उनको जो है नगर नगर गांव गांव जाकर जो है उन्हें बताना चाहिए कि जनसंख्या पर अगर नियंत्रण न लगा जाए तो इसके कौन से दुष्प्रभाव पड़ेंगे। जब ये जगह जगह ऐसा होगा, शिक्षा का प्रसार होगा, लोग जागरूक होंगे तो जनसंख्या पर जो है नियंत्रण लगाएंगे। जब जनसंख्या पर नियंत्रण लगाएंगे तो अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वह नहीं होंगी। दूसरा जो है परिवहन नियोजन। अपने भारत में सबसे पहले परिवहन नियोजन लागू हुआ थी। आज हम आप लोग देख रहे हैं कई देशों के जो है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ऐसे देश में प्रधानमंत्री होते हैं, राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, तो सभी मिलकर जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम चला रहे हैं। परिवार नियोजन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जिसके यहाँ 4 संतानें 5 संतानें होंगी उसको जो है कपड़े की समस्या, भोजन की समस्या, आवास की समस्या, रहने की समस्या, तमाम प्रकार की समस्याएं जो है होंगी। जैसे 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 जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे रहने के लिए जो है घर बनाए जाएंगे। अब घर बनाए कहाँ जाएंगे, इसी धरातल पर। तो जो घर बनाए जाएंगे वह हम आप लोग देख रहे हैं आज पेड़ पौधे हैं। अब पेड़ पौधों को काट कर ही जो है घर बनाए जाएंगे। अब जैसे जैसे पेड़ पौधे कटेंगे वैसे वैसे जो है क्या होगा, पर्यावरण आपका प्रदूषित होगा। अब पर्यावरण प्रदूषित होगा तो हम आप लोग जो गैसें ग्रहण करते हैं
उसमें भी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी, अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी। जब अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी तो मनुष्य का जो जीवन जीने का उम्र होगा धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इसीलिए जो है भारत सरकार ने पर्यावरण नियोजन कार्यक्रम चला रही है कि पहले से योजना बना लेनी चाहिए। पर्यावरण नियोजन का मतलब होता है पहले से कोई योजना बनाना, जैसे कोई काम करना है तो उस पर पहले से योजना बना लेना, उसे ही पर्यावरण नियोजन कहते हैं। अब पर्यावरण नियोजन परिवार से संबंधित जो है, अब आपको यह होना चाहिए, पहले से तय होना चाहिए कितने संतानों की उत्पत्ति कर रही हैं और आप कितने संतानों की उत्पत्ति करिए ताकि जो है आपका आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की समस्या ना हो। और सरकार भी चला रही है, हम तो हमारे ऐसे पति पत्नी उनके एक या दो बच्चे हैं, पर्यावरण नियोजन का वही अर्थ है। उस पर सरकार इसीलिए नारा दे रही है हम दो हमारे जो है बहुत कम मात्रा में जो है जनसंख्या की वृद्धि करनी चाहिए। तीसरा विभाग की आयु वृद्धि, जैसे आज अपने यहाँ और भी कुछ ऐसे गर्म प्रदेश हैं जहाँ के लड़के और लड़कियाँ जल्दी परिपक्व हो जाते हैं तो उनकी शादी हो जाती है। अब जब कम उम्र में ही शादी हो जाएगी तो उनसे जो है संतान उत्पन्न होगी, तो जो संतान उत्पन्न होगी तो धीरे धीरे वह जनसंख्या जो है बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए सरकार ने कहा है कि जो शादी की उम्र है लड़कियों का 18 वर्ष और लड़कों का 21 वर्ष होना चाहिए। लेकिन कुछ सरकारी इस पर भी अभी वर्तमान में विचार चल रहा है कि इस पर भी जो है नियंत्रण लगाना चाहिए, समय सीमा की जो उम्र है उसको बढ़ाना चाहिए, लड़कियों की 21 साल होनी चाहिए, लड़कों का 25 साल भी सरकार इस पर मंथन कर रही है। लेकिन अभी तक आपके जो है इस कानून में है लड़कियों का 18 साल लड़कों का 21 साल, तो इसके पहले जो है शादी करनी नहीं चाहिए, विवाह इससे पहले करना नहीं चाहिए, क्योंकि विवाह जो है कम उम्र में हो जाएगा तो आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जो है भारत सरकार कह रही है कि विवाह की जो उम्र होनी चाहिए 18 साल लड़कियों की, 21 साल लड़की होनी चाहिए, इससे पहले शादी नहीं विवाह नहीं करना चाहिए। अगला है संतानोत्पत्ति की सीमा निर्धारण। जैसे हम आप लोग देखते हैं वर्तमान में किसी के यहाँ 4 संतान है, किसी के यहाँ 5 संतान है, किसी के यहाँ 6 संतान है, तो क्या होगा इससे जनसंख्या बढ़ेगी। जब जनसंख्या बढ़ेगी उन्हें खाने की समस्या होगी, कपड़ा पहनने की समस्या होगी, परिवार में झगड़े होंगे, तमाम प्रकार की जो है समस्या उत्पन्न होगी। इसीलिए संतान की उत्पत्ति की सीमा होनी चाहिए, एक संतान हो, दो संतान हो, इससे ज्यादा जो है संतान की उत्पत्ति नहीं करनी चाहिए। अगला है जनसंख्या शिक्षा। ऐसे आज हम आप लोग जागरूक अभियान चला रहे हैं, भारत सरकार भी जागरूक अभियान चला रही है जनसंख्या को कैसे नियंत्रित किया जाना चाहिए, जनसंख्या को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, उस पर सरकार ने अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई हुई कि उसको कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो गांव-गांव शहरों में जाकर जो है शहरों तो वैसे लोग जो है अधिकतर जागरूक हो गए हैं, फिर भी कुछ ऐसे भी हैं जो गांवों से चलकर नगरों में गए हैं, वह जो है संतानी की उत्पत्ति अधिक करते हैं। इसीलिए जो है जनसंख्या गांव-गांव में जाकर जो है जनसंख्या पर जो है अपना विचार विमर्श करना चाहिए, यानी उनको जागरूक करना चाहिए कि आप जो है जनसंख्या की वृद्धि करेंगे तो जो है ऐसी समस्या होगी, ऐसी समस्या होगी, तो उस पर जो है उनको बताना चाहिए कि जनसंख्या पर जो है नियंत्रण लगाना चाहिए, एक या दो संतानों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गला है परिवार नियोजन संबंधी शिक्षा। परिवार नियोजन संबंधी जो शिक्षा है अभी हमने आपको बताया कि परिवार नियोजन किसे कहते हैं, तो
पर्याय नियोजन संबंधी शिक्षाएं जो है दी जाती है। जैसे आपका समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र में भी पर्याय नियोजन से संबंधित जो है अच्छी अच्छी बात लिखी गई। भूगोल में भी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि पर्याय नियोजन संबंधित है। तो पर्याय नियोजन से संबंधित जो है बातें लोगों को जागरूक करना चाहिए, उनको पर्याय नियोजन से संबंधित बातें बतानी चाहिए कि पर्याय नियोजन क्या है। इसके बाद जनसंख्या की वृद्धि करेंगे तो अनेक प्रकार की समस्याएं होंगी। तो इन बातों को जो है जनता को जो है जागरूक होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि एक अभियान चलाए, तो चला भी रही है, फिर भी जनता जो है जागरूक नहीं हो रही है। लेकिन जो है संतानों की उत्पत्ति जो है बहुत कम मात्रा में करनी चाहिए। अगला जनसंख्या माध्यमों द्वारा प्रचार प्रसार, जनसंख्या माध्यमों द्वारा प्रचार प्रसार। अब जनसंख्या माध्यमों द्वारा प्रचार प्रसार क्या है? जैसे जनसंख्या आपका टॉपिक है, तो आपको जो है जनसंख्या के माध्यम से, जैसे हम आपसे कहें, आप उनसे कहें, उनसे कहा, उनसे कहा, तो जनसंख्या से संबंधित जो योजनाएं चल रही है, या हम आप लोग जिसको जागरूक कर रहे हैं, जिसको बता रहे हैं कि जनसंख्या जो है अगर नियंत्रित नहीं करेंगे, नियंत्रण नहीं लगाएंगे, तमाम प्रकार की समस्याएं होंगी। तो एक माध्यम से दूसरे के माध्यम से आपको जो है जनसंख्या शिक्षा जो है उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। जैसे अभी क्या होता है टेलीविजन, टेलीविजन रेडियो, टेलीविजन और रेडियो के माध्यम से भी जो है जनसंख्या संबंधी योजनाएं जो है लोगों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। जो है अगर जैसे एक व्यक्ति जो है बोलेगा तो सभी वह बातें जो है सभी के पास पहुंचेगी, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हर एक नगरों में जाकर, हर एक गांवों में जाकर, हर एक शहरों में जाकर जो है जागरूक अभियान या जनता को जो है जागरूक कर सकती है। तो रेडियो टेलीविजन के माध्यम से जो है जनता से संबंधित, जनसंख्या से संबंधित जो है जागरूक अभियान चलाना चाहिए। यह टेलीविजन रेडियो के माध्यम से जनता को जागरूक करना चाहिए, उनको यह बताना चाहिए कि किस किस की जनसंख्या बढ़ने से किस किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। जो है जनता जागरूक होगी तो उस पर जो है नियंत्रण लगाएगी।